तो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम यहां पे दोबारा से खेलने वाले हैं एल्डन रिंग। यहां पे हम लोग आ चुके हैं एल्डन रिंग वर्ल्ड के अंदर और आज हम लोग यहां पे कंटिन्यू करने वाले हैं इस गेम की सीरीज को। तो पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था एंड भाई वहां पे हमें सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो हमारी जस्ट स्टार्टिंग थी। पर अभी इस वक्त मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा पावरफुल और आज हम लोग इस वीडियो में डिफीट करने वाले हैं बहुत सारे खतरनाक बॉसेस को। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाने वाले हैं बॉसेस को डिफीट करने वाले हैं क्योंकि मैंने सारा का सारा एक्सप्लोरेशन तुम्हारे लिए पहले से करके रख रखा है। तो तुम लोग देखो यहाँ पे मैंने मैप में सारा का सारा एक्सप्लोरेशन करके रख रखा है एंड जितने भी यहाँ पे मुझे बॉस मिले मैंने वो लोकेट कर लिए हैं और अब हम लोग यहाँ पे सीधे निकलने वाले हैं बॉस को डिफीट करने की जर्नी में। तो होप तुम फाइट को एंजॉय करोगे। तो भाई पहला हमारा बॉस हमारे सामने है तो हम लोग उसको डिफीट करने वाले हैं और आज मोस्ट ऑफ द केस में हम हराने वाले हैं थ्री बॉसेस को। कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं थ्री बॉसेस को हरा पाऊं पर पता नहीं भाई वो टफ हो सकते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ट्राई भी लगने वाले हैं। होपफुली मुझे बस रेस ना हो बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सामने चलने वाले हैं। सामने की तरफ हमारा बॉस है जिसका एक डंजन है। तो यहाँ पर एकदम ही पैल वर्ल्ड की तरह ये बॉस का एरिया है तो यहाँ पे हम लोग को इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। हम लोग एरिना में पहुंचेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिफीट करेंगे उस बॉस को। तो होपफुली तुम लोग समझ चुके होगे। तो चलो भाई बिना किसी देरी के फटाफट चलते हैं एरिना के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं इस बॉस को हम लोग कैसे डिफीट करने वाले हैं। तो तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूं हम लोग ना एक लेवल बाय लेवल जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इजी बॉस डिफीट करेंगे एंड उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड बॉस और लास्ट में हम लोग डिफीट करेंगे बहुत ही ज्यादा हार्ड बॉस को। लेट्स गो गाइस लेट्स एंटर टू दिस डंजन। तो लेट्स गो गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं एरिना के अंदर। उससे पहले मुझे बस थोड़ी सी अपनी इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे जैसे कि हम लोग माइनक्राफ्ट में करते हैं। वैसे हम यहाँ पे थोड़े बहुत अपने स्ट्रेंथ के इफेक्ट्स लगाने वाले हैं थोड़ी सी एबिलिटी यूज करने वाले हैं और अब वक्त है यहाँ पे इस बॉस को पेलने का। लेट्स गो सामने से हमारा बॉस आ चुका है और जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये बॉस ईजी होने वाला है पर इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करूंगा मैं। इसको हम लोग हरा सकते हैं आराम से मुझे पता है ये बॉस अग्रेसिव है ये बॉस बहुत अग्रेसिव बॉस है। होपफुली मैं इसे मरना नहीं चाहूंगा पर हमने ना इसे बहुत अच्छा डैमेज दे दिया है। अग्रेसिव बॉस मुझे मौका ही नहीं दे रहा है अटैक करने का। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है इस बॉस को पर उस टाइम पे ना मैं इसे हरा नहीं पाया था तो अभी मैं इसे पक्का हरा दूंगा। ओके लो भाई मुझे लगता है मैं हरा नहीं पाऊंगा इसे क्योंकि ये बॉस बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। हील करना पड़ेगा। ये बॉस मुझे अटैक करने का टाइम ही नहीं दे रहा। अग्रेसिव बॉस ऐसे मुझे मजा आता है अग्रेसिव बॉस को फाइट करने में। आउच पर हम लोग इसे डैमेज बहुत अच्छा दे सकते हैं। यार ये देखो कितना जल्दी स्विच करता है ना अपने अटैक्स। आओ कम ऑन ये मेरा फायदा उठा रहा है हील करने का। तेरी बहन को ना मैं रुक साड़े। आउच यार ये क्या हो रहा है भाई। अभी मैं इसे फाइट किया थोड़ी देर पहले तब इतना अग्रेसिव नहीं था ये अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है। अरे वेट कर रहा है मेरा अटैक करने का। देख रहे हो कितना अग्रेसिव बॉस है ये। लेट्स गो पर इसे हम लोग आराम से हरा सकते हैं क्योंकि हमने इसकी हेल्थ बहुत लो कर रखी है। एक और शॉट मारेंगे भाई क्या डॉज करता है बंदा। आजा नहीं 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 बच गए हील करना पड़ेगा। इसके पास चलते हैं थोड़ा सा अग्रेसिव खेलते हैं डिफेंसिव नहीं खेलने वाले हम लोग। लेट्स गो स्टन हुआ है हम भी स्टन हो गए बच गए मारते हैं। ओके ऑलमोस्ट डेड है बॉस 1 HP। लेट्स गो गाइस हो गया है बॉस तो कोई दिक्कत नहीं वाली हो गया है बॉस कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये बॉस तो ईजी था जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कि ये बॉस ईजी होने वाला है। इसके बाद वाला बॉस होने वाला है डिफिकल्ट। हम लोगों ने इसको डिफीट कर दिया है और इससे हमें बहुत ही सही स्वॉर्ड मिली। एक सेकंड को ये तो बहुत अच्छी स्वॉर्ड है जहाँ तक मुझे लगता है ये सच में बहुत ओपी स्वॉर्ड है। लेट्स गो यहाँ पे हमें एक न्यू वेपन मिल चुका है और वो कोई छोटा मोटा वेपन मुझे नहीं लग रहा वो अच्छा वेपन है मुझे लग रहा है। लेट मी ट्राई किया हम लोग उस वेपन को यूज कर सकते हैं। तो तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े वेपन है जैसे कि मेरे पास ये आइस वाली एक्स है और यहाँ पे हमें नया मिला है ब्लड लॉस वाला है शायद ये। तो फिलहाल हम लोग इसे इक्विप नहीं कर सकते एंड साथ साथ तुम लोग देखो यहाँ पे मेरे पास और भी ज्यादा टूल्स हैं पर इन सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा जो कि सेंटिनल ट्री का था। तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में सेंटिनल से मार खाई थी पर उसको मैंने पेल दिया है तो उससे मुझे ये वेपन मिला है। पर ट्री सेंटिनल कोई मेन बॉस नहीं था इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। पर यहाँ पे हमारा जो थर्ड बॉस है वो होने वाला है बहुत ज्यादा मेन बॉस। उसके लिए फटाफट से मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड बॉस के लिए। तो मेरा सेकंड बॉस कुछ यहाँ पर है एंड आई थिंक वो यहाँ से पहुंचेंगे तब पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा गेट फ्रंट पे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गेट फ्रंट पे और यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा दूसरे बॉस के लिए। तो इस कासल से फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि इन लोगों से फालतू पंगे नहीं लेने वाला मैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ हारने वाला हूँ बॉसेस को। एक्सप्लोरेशन वगैरह मैं ऑफ कैमरा कर लूंगा तुम लोगों के लिए। तुम लोग बस बैठो मजे से और बॉस की ना फाइट देखो। स्टार्टिंग में मैं इन बॉसेस को मार सकता हूँ पर आगे जाके बॉस थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं थोड़े से हार्ड होने वाले हैं तो मेरा भी रेज निकल सकता है। हु नोस। चलो भाई फटाफट सामने की तरफ हमारा बॉस का डंजन है और ये वाला बॉस लिटरली थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये हमारा सेकंड बॉस है एंड सामने की तरफ वो सेम एरिया है जहाँ पे हम लोगों को जाना है फाइट करने के लिए। तो फटाफट से एंटर करते हैं। हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं और बॉस को बुलाने से पहले फटाफट से थोड़ा सा हील ले लेते हैं हमें थोड़ा सा स्टेमिना ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक और रह गया है जो कि ये चीज़ है। लेट्स गो बुलाते हैं बॉस को। आजा बॉस बाहर आजा
तेरा ही वेट कर रहा हूँ मैं। लेट्स गो। ओके ये तगड़ा बॉस है। ओके सही में तगड़ा बॉस है। ओह नो हैवी स्वॉर्ड है इसके पास, मुझे बहुत डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। आउच बच गया। हील करते हैं। ये अच्छा बॉस है। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज उठ जा, मार देगा वो। ओके बच गए। नहीं मारते हैं, मार दूंगा। ओके नॉट बैड। उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। हील। अच्छा अटैक था सही। ओ नो सीधा स्ट्रेट मारा मैं, कैसे डॉज नहीं कर पाया ऐसे। ओके और मारते हैं। नो कॉम्बो मारेगा ये, बच गया। हील करते हैं। नाइस। बॉस अपग्रेड हो चुका है क्या? सेकंड फेज आ गया इसका गाइस, लेट्स गो। ओके माय मार दिया इसने। सेकंड फेज में बन चुका है ड्रैगन, नॉट बैड। अरे पत्थर पे क्यों आ गया मैं, मुझे अच्छी अरेना में जाना पड़ेगा। ये बंदा मार रहा है। वैसे इसकी हेल्थ हमने काफ़ी लो कर दी है, मतलब हाफ एच तो ले ही आए, आधी हेल्थ तो कर ही दी है कम से कम, कुछ नहीं तो। पहला ट्राई है और मैं भाई अच्छा लड़ रहा हूँ वैसे तो, पता नहीं मैं कैसा लड़ रहा हूँ। ये अच्छा बॉस है। भागते हैं। बच गए, मौका मिलेगा। नहीं हील करते हैं। नहीं गलत टाइम पे हील। नहीं बच गया। ओके नहीं, डिफरेंट बॉस, डिफिकल्ट है बॉस तो। लेट्स गो मर जाएगा। नहीं बच गया मैं। ओके डैमेज पड़ा बहुत। एक और बार आ रहा है ये। नहीं भाई मैं क्यों नहीं डॉज कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। लेट्स गो भाई मर ही गए। बच गए। आजा बेटे आजा, मुझे लगता नहीं मैं उससे फर्स्ट टाइम हरा पाऊँगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओ कम ऑन ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। नहीं ओके मेरे पास ख़त्म हो चुकी है मेरी पावर, लास्ट हील, मैं गया भाई। ओ नो मार रहा है। एक और बार आ चुका है इसका सेम अटैक। हाँ इसको मैं कैसे डॉज करूँ, मैं से डॉज नहीं कर पाता यार, मेरी टाइमिंग ही बैठती। अरे यार इसकी पूंछ कितनी बड़ी हो सकती है एक बार में। लेट्स गो वेट करते हैं, ये वाला अटेम्प्ट तो मुझे लग रहा है फेल हो जाएगा। नहीं बच गया। ओ कम ऑन भाई, काफ़ी हेल्थ कम कर दी थी वैसे मैंने इसकी, लगता है इस बॉस पे थोड़े बहुत ट्राई और लगने वाले हैं, पर यही तो इस गेम का मजा है। लेट्स गो डार्क सोल टाइप गेम्स। तो अभी मैं इससे थोड़ी सी अच्छी फाइट लेने वाला हूँ, क्योंकि जो उसका एयर वाला अटैक है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ठीक है परफेक्ट डॉजेस। ओ नो स्टन कर दिया उसने। ओ नो सेम प्रोसेस अगेन, क्या भाई चेंज तो कर। ओके अभी चेंज किया इसने, नहीं सेम चीज़ कर रहा है वो, इसके पत्थर वाला अटैक नहीं बच पा रहा मैं, फिर करना पड़ेगा, भागते हुए आएगा। ओके वेट करते हैं, मारते हैं, भागते हैं, सेम चीज़ भाई, इसे यही डॉज नहीं हो रही मुझसे, पता नहीं क्यों, ये पैरों से पत्थर थाड़ देता है फिर मैं मर जाता हूँ। ओके बच गया मैं। ओके नॉट बैड, मारते हैं, सेम चीज़, कम ऑन। सेकेंड फेज आने वाला है इसका मुझे लग रहा है, तो मारते हैं, सेम चीज़, इसी पे मैं चार बार डैमेज ले चुका हूँ। ओ कम ऑन क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी भाई। तो किसका फेज चेंज हो चुका है, अभी मारेगा, बच गए ना, पड़ेगा मार देगा ये वरना। ओके सेम अटैक मारा इसने फिर से। लेट्स गो हील करते हैं, अच्छा बेटे नहीं
नहीं सेम अटैक बच गया। पूछ नहीं पूछ नहीं। आजा आजा आजा। पूछ नहीं कि पूछ है क्या है। ओके गलत टाइम पे हील किया। ओके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। मुझे उसको सामने से फाइट नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे ना डॉज करना है, वेट करना है, मौका ढूंढना है अटैक करने का, उसके बाद मारना है कुछ ऐसे करके। नहीं ओके ओके आ रहा है वो। बच गया। और बार मारेगा और बार मारेगा। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सॉरी गाइस, पर अभी ना मैं हरा सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हरा सकता भाई। मरेगा मरेगा। सेम अटैक। ओके 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 ये डॉज नहीं करता तो मैं मर जाता। बच गया। यूज करते हैं ऐसे। लेट्स गो। आई थिंक डूएबल है। नहीं 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 ये नहीं करना था। ओके बहुत सही, बहुत गलती कर दी मैंने। नहीं बच गया बच गया बच गया। हील कम हेल्थ पे, ये गलती नहीं करनी मुझे। अभी मारने का मौका मिलेगा। नहीं मर गया भाई। जी जी गाइस। ओके 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 क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे स्पेस नहीं काम कर रहे भाई। कीज बच गया कि नहीं बचा। बहुत कम हेल्थ है यार, ये मरने वाला है, मैं मरने वाला हूँ उससे पहले। मर जा। 1 HP, लिटरली 1 HP भाई। दो शॉट या एक शॉट का और था ये बंदा बस। ओ कम ऑन भाई मैं मर गया यार। आई ट्राइड माई बेस्ट गाइस, मैंने बहुत बेस्ट दिया। बच गया। ओ मर ही गया। नहीं जंप क्यों किया मैं, स्पेस मेरा गलत भाई। कम ऑन हील तो करने दे यार कम से कम। क्या स्पैम करे जा रहा भाई ये बंदा। ओ कम ऑन टॉप भाई। वाह भाई टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। गया हील मेरा सारा। हाँ बहुत बढ़िया। वाह अभी डॉज किया तो। Come on. Bro, are you serious? कैसे मार रहा है बंदा? क्यों हील तो करने दे? भयंकर भाई। मार ले भाई ये ले, मार ले, मार ले भाई ये ले, मार ले भाई। मर ही गया मैं तो ऑलरेडी। मार ले भाई, बची क्या है मेरे पास हेल्थ। मार ले भाई क्या करूं मैं। क्या ये अनोइंग बंदा है यार, हील ही नहीं करने दे रहा। ओके लेट्स चेंज द वेपन, थोड़ा दूसरा वेपन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई विद दिस। वाह मेरा बंदा खड़ा रहता है, ये मेरा कैरेक्टर ना बेवकूफ़ है, खड़ा रहेगा सामने कुछ नहीं करता। मोहन भाई गलत टाइम पे गलत है, मैं ऐसे डॉज करता हूँ डॉज ही नहीं करता ये। क्या डम कैरेक्टर है यार। ओ कम ऑन क्या ही डम कैरेक्टर है भाई, उठ जाना भाई। क्या पड़ा रहता है एक जगह बैठ के, दो बार मैं उसको लिटरली खत्म करने वाला। किस्मत ही खराब है भाई, क्या कर सकते हैं। क्यों हील किया मैंने यार। वाओ मर गया मैं। मेरे दो हील ना लिटरली वेस्ट हुए हैं। थैंक यू। नॉट बैड।
वाओ इस बार नहीं, मर गया, गलत टाइमिंग। हो सकता है, पॉसिबल है, लग रहा है हो सकता है। मेरा वेपन ना परेशान नहीं कर रहा इस बार, पिछले वाला वेपन तो बहुत खराब था। ये मारेगा, बच गया, बहुत बढ़िया। एक और मारेगा ये, मुझे पता है। हील करते हैं, लास्ट हील, गलत हील कर ली, अभी मर जाएगा ये, अभी मर जाएगा ये। मर गया, मर गया, फक, लेट्स गो। देखो एक नई ऐशा वॉर मिली है और पैसे बिल्कुल ही रत्ती भर मिले हैं मुझे। वैसे शायद बॉस इतना डिफिकल्ट नहीं था, मुझे खेलना ही नहीं आता, शायद मैं नूबी हूँ उस गेम में अभी भी। तो खैर जो भी है, पिछले वाले पैसे हमारे यहाँ गिरे थे, आई थिंक ये जीरो ही होने वाले हैं। ओके नहीं, वापस आ गए, नॉट बैड। तो फाइनली जाकर के हम लोगों ने दो बॉस डिफीट कर दिए हैं और अब वक्त है यहाँ पे आज के लास्ट बॉस को, फाइनल बॉस को मारने का, और वो बॉस होने वाला थोड़ा सा मुश्किल। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कासल के पास, यहाँ पर कासल है और यहाँ से मुझे उस बॉस के पास। ब्रो बकरी, लिटरली मैं बॉस को मार के आ रहा हूँ, ये भेड़ बकरियाँ मुझे मार रही हैं। इज्जत ही नहीं है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है। डैम भाई, वहाँ पे मुझे जाना था। लेट्स गो, टीपी मारते फटाफट से, चलते हैं फटाफट वहाँ पर। तो सिंपल से बॉस से मैं इतना पिट के आया हूँ ना, तो ये भेड़ बकरियाँ भी मुझे मारे जा रही है भाई। यहाँ पर हमारा थर्ड बॉस है सामने की तरफ और हम लोग उसको डिफीट करने वाले हैं। और लेट्स गो, क्या होने वाला है इसके अंदर, लेट मी चेक। ओके फटाफट से पीते हैं, मुझे पहले पीना चाहिए था ये, नहीं तो मुझे मार देगा वो। ओके नहीं, मेरा एम चाहे आ गया। वाह, ये क्या बॉस है, इसको मैं डैमेज कैसे दूँ? यही डैमेज देगा मुझे, मैं तो नहीं दे सकता इसको डैमेज। अरे कितना धीमा है ये, जल्दी मारा कर। वाह मर गया भाई मैं। ओके नॉट बैड, नॉट बैड, थोड़ा धीमे आएगा इसके बाद, फाइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुछ अच्छी एरिना दोगे लड़ने के लिए? कहाँ लड़वा रहे हो, कहाँ लड़वा भाई? गिर, नीचे गिर गया भाई यार, मैं नीचे गिर गया भाई। इतना गंदा हूँ मैं इस गेम में, रोना आ रहा है भाई लिटरली। चलो एंटर करते हैं। नहीं नहीं पीना है अभी, मैं स्पैम क्यों करता हूँ बटन, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। आ जा भाई, कोई दिक्कत ना होनी। आई नो तू स्लो मारेगा थोड़ा सा। अरे क्या इतना टाइम लगा के मारता है भाई ये बंदा। ओ वाओ, एक बार मैं आके तो नहीं मार पाऊंगा मैं। ब्रो क्या, कहाँ लड़ूं, दोनों तरफ खाई है क्या, कहाँ जाऊं? ओके बॉस से चुपक के लड़ना पड़ेगा, मुझे समझ में आ गया। इस बॉस की छाती पर चुपक के लड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अगल बगल गया तो मर जाऊंगा। ओके रेज इज ऑन द वे, आई थिंक रेज इज ऑन द वे। ऐसा तो ख़त्म ही हो चुका है। चलो भाई आ जा भाई, भाई कितनी लेट मारता है ये बंदा। वाह अभी जल्दी मार दिया अटैक, ये अटैक कितना टेम लगाए मारने में। अब मरेगा मरेगा, हील। ओके सेकंड फेज, वाह डैमेज भाई। क्या बात कर रहा है ये, तू मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, अब तुम्हें सब अटैक करना है। ओके बहुत खराब, वाह मैं बच गया, मैं गिर गया था बस।
आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबल तो है नहीं है, नहीं है, नहीं है, सॉरी भैया गलती से मुझे निकल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। आउच, अरे क्या है, उठ जा भाई उठ जा, थोड़ा सा रह गया है बस, मर गया मैं, कम ऑन, नहीं कम ऑन, नीचे मत गिरा, फक दिस प्लेस भाई, क्या हाइट पे लड़वा रहे हो भाई, कोई बैरियर तो दो साइड में, ऑलमोस्ट खत्म था यार वो, नीचे नहीं गिरता तो मैं मार देता। बहुत लेट, क्या यार कितना सेकंड गिनूं मैं, कितने टाइम बाद मारता और मेरा बंदा उठता क्यों नहीं है। ए यार ये बंदा स्लो है, हवा में जाकर रुक जाता है यार, अब ये अटैक फास्ट है, ये अटैक भी फास्ट है, बहुत स्लो अटैक, ये अटैक फास्ट क्यों है भाई, पास आता हूं तो फास्ट हो जाता है अटैक, ये अटैक स्लो है क्या, अबे ये क्या अटैक है भाई, भाई वो कौन सा अटैक मारता है जो घंटे बाद मारता है, ये अटैक दो हाथ से पकड़ता है वो बहुत लेट मारता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। यार क्या हो रहा है, यू तू नीचे क्यों नहीं गिरता, तू नीचे क्यों नहीं गिरता, मैं क्यों नीचे गिरूं भाई, ये बंदा नीचे नहीं गिरता, यार डैमेज, मर गया मैं, नीचे गिर गया भाई, मुझे लग रहा है मैं, अरे उठ जा भाई, सोता रहता है, एनिमेशन में गिरता है भाई बंदा, उठ जा भाई उठ जा यार प्लीज उठ जा भाई, टाइमिंग मोन, हील तो कर लेंदे, वाह हील, बहुत लेट आएगा, बच गए, ये कॉम्बो चेंज कर दिया, ओ इसका हथौड़ा भाई, कम ऑन, वाह तू नीचे क्यों नहीं गिरता, मैं क्यों नीचे गिरूं, अबे कहां मार रहा है भाई ये, वाह हर इसका, अरे भाई मैं नीचे भी नहीं गिरा हूं, इसका हर अटैक मेरे को क्यों लग रहा है, एक एक अटैक डॉस नहीं हुआ इस पूरे अटैक में भाई, एक अटैच, एक अटैक अटैच, अटैक अटैक अटैच, भाई क्या कर रहा हूं मैं, अटैच हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक अटैक भाई भाई अटैक अटैच, मेरी जीप कोई काट के ना नहीं लगा दो यार, मेरी जीप बहुत लड़खड़ाती है, लिटरली बहुत लड़खड़ाती है, कोई ना एक साल का बच्चा होता है ना वो इतना लड़खड़ा के बोलता है जितना मैं ब्लू कर देता हूँ, यानी कौन सा मक्खन लगा हुआ है मेरी जीप पे, लड़ कर जाती है मेरी जीप, और स्लो मार ले ले, और स्लो मार ले, हाँ अब अटैक मारेगा तेज, क्या करेगा दुहट वाला अटैक, बढ़िया प्लीज डॉज कर ले मेरे दोस्त, मेरे दोस्त प्लीज डॉज कर ले, स्पैम कर रहा हूं स्पेस तब भी नहीं डॉज हो रहा, वाह तू क्यों नहीं गिरता नीचे, स्टैमिना खत्म हो जाता है यार मेरा, नहीं नहीं मैं मर गया भाई, उठ जा खड़ा हो जा, स्पैम 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 भाई, स्पैम ही स्पैम कर दिया मैंने और बच गया मैं, मार ले, और पीछे धक्का क्यों मारता है, क्या नॉकबैक है ये, कहाँ अटक गया मैं,
सेम अटैक, टाइम देगा, थोड़ा टाइम देगा, थोड़ा टाइम दे दे भाई, थोड़ा टाइम दे दे भाई, थोड़ा टाइम दे दे। एक क्या कॉम्बो है ये, फक ऑफ भाई, क्या कॉम्बो है ये, चक्कर बन के मार रहा है भाई, चक्कर बन के लिटरली। यार ये अनोइंग है भाई, बहुत अनोइंग है ये, क्या बुढ़ा वोमन भाई। लेट्स गो ट्राई अगेन, बुढ़े बुढ़े वोमन, वाह इतना स्लो अटैक है तेरा, हवा में झुलाता क्यों है उसको, मार ना सीधे, झुलाता रहे, रुक जा तेरे को, झुलाता रहे। वाह अब ये क्या मार दिया उसने, बहुत बढ़िया यार, डॉज किया तो है मैंने, कब डॉज करूं, परफेक्ट टाइम पर डॉज किया है। फिर से नहीं गिरना मुझे, ये क्या फिरकत नहीं है भाई, क्या फिरकत नहीं है ये, रुक जा स्पैमर, थैंक यू, उठ जा भाई, उठ जा भाई, बच गया, कम ऑन ब्रो, उठ जा भाई, बच गया, क्या एक अटैक लैंड नहीं हो रहा मेरा, एक अटैक लैंड नहीं हो रहा, कि सारे अटैक लैंड हो रहे हैं भाई, फिरकत नहीं, मर गया ये, मर गया ये, मर जा, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, डिफीटेड भाई, डिफीटेड। तलस्मान के लिए एक स्पेस मिल गया अपने को एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम क्या तलस्मान लगाएं, स्लोली रिस्टोर एचपी, फाइट के बीच में एचपी रिस्टोर होती रहेगी, और हमारे पास ना हीलिंग रहती है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके ये अच्छा है, फाइट के टाइम पे इसी रहता है, इससे क्या कि हमारी स्टेमिना की स्पीड ना रिकवर हो जाएगी जल्दी, ठीक है ऐसे लगा लेते हैं। लेट्स गो, फाइनली डिफीट कर दिया हम लोगों ने इस ओमन को भी, रियली भाई अनोइंग गाय भाई, लिटरली अनोइंग गाय, एंड इसने हमें काफ़ी सारा मनी दिया है वैसे तो। लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, हम लोग चल रहे हैं स्टोरी में थोड़ा सा आगे, और देखने वाले हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, आगे हम और कौन से बॉसेस को फेस करना पड़ेगा, एंड कितनी हमें फाइट और लेनी पड़ेगी। लेट्स गो, 3 बॉसेज इन अ रो भाई। ओके वी फाइनली एंटर्ड इनटू द कासल, जो कि मेन कासल, इसमें बहुत सारे बॉसेस रहते हैं, क्या यहाँ से कोई जाने का रास्ता है, यहाँ पे कोई ओल्ड अंकल हमारा वेट कर रहे थे, और ये बोल रहा है कि भाई मेन गेट ना गार्डेड है, उसको हम वहाँ से हम लोग नहीं जा सकते, उसको हम नहीं खोल सकते। थैंक यू ओल्ड मैन, पर तू पता नहीं मेरे लिए क्यों प्रे कर रहा है, क्योंकि मुझे सच में प्रे की जरूरत तो है, कि जितना गंदा मैं खेल रहा हूँ। ओके यहाँ पे कासल का बैक डोर है, मर गया था, लिटरली मर गया था, ये क्या है, कैन आई गो फ्रॉम देयर, अरे नीचे गड्ढा क्यों है, आई थिंक आई कैन गो फ्रॉम देयर, क्या मिला, रूइन फ्रेगमेंट, शॉर्टकट है ये, मैं जी गिरना नहीं है नीचे, क्योंकि नीचे खाई है, पर या मेन गेट की जगह हम लोग ना बैक साइड से जा सकते हैं, एक बैक डोर खुल चुका है, लेट्स गो, शायद हम लोग कासल के वॉल के अंदर आ चुके हैं, एंड ओ वाओ थैंक यू सर, हु आर यू, वाओ 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 वाओ, क्या बर्ड है भाई, कैसी बर्ड है, कासल के अंदर भी लड़की है, ओ कम ऑन तेरी, यार गुस्सा नहीं दिलाने का, खोल दूंगा भाई, एक शॉट में मार दिया, देखा तुमने, हाँ भाई इतना चूरन समझ रखा है, इतना चूरन भी नहीं हुआ यार, बॉसेस से लड़ रहा था इसलिए पिट रहा था, ये छोटे मोटे लोग तो नहीं मार पा रहे मुझे। ऊपर की तरफ एक गार्ड जरूर है जो के साथ कुछ फेंक के मारने वाला है, शील्ड मिली है एक अपने को, पर उसने हॉर्न बजा दिया है तो सब लोग ना मुझे अलर्ट हो चुके हैं। लेट्स गो भाई, दिक्कत हो गई पर इतनी भी नहीं, रुक जा क्या कर रहा है, रुक जा, घर पे मेहमान आया मारे जा रहा, बताओ
क्या गंदा बच्चा है भाई। हाँ माना बैक स्टेप से आया हूँ, पर भाई मेहमान मेहमान होता है यार। दो रूइन रूइन गोल्डन रूइन सॉरी दो। ओह वाह कोई अटैक कर रहा है मुझ पर। क्या ये बॉम्ब लगाया था उन लोगों ने यहाँ पर? कोई मार रहा है मुझे, वो सामने से वो मार रहा है। अच्छा बेटे जा चातुर हो रहा चातुर। मर गया ये, इसको मारते हैं। लेट्स गो। असल के अंदर हम घुस तो चुके हैं, पर यहाँ पे खतरा हो सकता है। पर खतरा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि और बॉसेस को फाइंड करना पड़ेगा कहाँ छुपे बैठे हैं सबके साथ। वाओ 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 व्हाट अ सरप्राइज भाई, उम्मीद ही नहीं थी मुझे इनकी के भट जाएंगे। तू मार रहा है ना तो तेरी साड़े। मर जा। नीचे जाने का रास्ता है क्या? ऊपर आने का है उसके बाद? लेट मी ट्राई। ओके एक बड़ा बंदा है, इतना बड़ा भी नहीं है, मार सकते हैं। थोड़ा लूट लेते हैं क्योंकि ना लूटने से फ़ायदा रहता है, थोड़े बहुत ना अपने को तलिस्मान मिल सकते हैं अच्छे अच्छे, तो वो चीज़ सही रहती है। ओह हेलो सर, व्हाट्स अप, यहाँ मेरा वेट कर रहे थे क्या तुम? तो मारते हैं, यहाँ से ले सकता हूँ मैं। लेट्स गो। ये क्या है? गोल्डन रूइन, ठीक है काम का तो है, वैसे मजाक सेट के काम का तो है। हम लोगों को एक लॉस्ट क्रेस चाहिए होगी, उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट्स को सेव कर लेंगे। यहाँ से कहाँ जाना है मुझे? ऊपर की तरफ रास्ता है पर चढ़ने के लिए मुझे स्टेयर्स नहीं दिखाई दे रही। ओके ये रहा डोर भाई, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, ये तो रहा डोर। खोलते हैं फटाफट से, सामने लोग हो सकते हैं। हाँ आ गया मैं। ओके कट सीन स्टार्ट हो चुका है और शायद हम लोग ट्रैप हो चुके हैं उस डोर के अंदर। न्यू प्लेस। ओके बंदा कोई आ चुका है। वाओ वाह भाई, नाइट मार रहा है कोई तो हमें। मुझे मार नहीं पाएगा तू, जैसा कुछ भी कर ले तू, इतना कमजोर हूँ नहीं मैं जितना तू मुझे समझ रहा है। ठीक है बॉस नहीं है तू कोई, खत्म लेट्स गो। और हमें एक अच्छा हेलमेट मिल गया है, नाइट का हेलमेट मिला है। यहाँ पे क्या है? रस्टी की। ओके शायद हम लोग कोई ट्रेजर खोल सकते हैं, यही खोलने वाले हैं क्या? व्हाट इनसाइड? तलिस्मान, बोला था ना मुझे तलिस्मान की बहुत ज़रूरत है क्योंकि तलिस्मान ना हम लोग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरे पास अच्छे अच्छे तलिस्मान नहीं है, जैसे कि ये वाला है मेरे पास। इस वाले को हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग फाइट कर रहे होंगे, पर नॉर्मल टाइम पे हम लोग ये कर सकते हैं। एनहेंस गार्ड काउंटर्स, लेट्स गो, ये बेटर है। ये वाला तलिस्मान ना डेली डेली फाइट पे काम आता रहेगा जो हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। पर इसके बाद क्या? हमने लूट लिया, यहाँ से रास्ता ही नहीं है। पर कोई कुछ बताऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शायद हम लोग यहाँ पे सिर्फ तलिस्मान ही ले सकते थे। ओके आई डोंट थिंक हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा कहीं और जाके। नीचे की तरफ वो रास्ता क्या है? क्या हम लोग यहाँ पे आए हैं? नहीं ना। ओके लेट्स गो, स्टेयर्स है यहाँ पे, चढ़ सकते हैं हम लोग ऊपर। लेट्स गो, रास्ता मिल चुका है। इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपा के सीक्रेटली एक तहखाने के अंदर ये स्टेयर्स बना रखी है कि कोई भी पहुँच ना पाए आसानी से। पर ये लोग ऐसा करना क्यों चाहेंगे? इन लोगों को आना जाना नहीं रहता क्या? एंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सामने बंदा है। आउच सॉरी, थोड़ा सा नशे में खेल रहा हूँ मैं, माय बैड गाइस। इंसान ना गिर के ही सीखता है, चार बार गिरूंगा तब एक बार कुछ नया सीख पाऊंगा। ये गेम सच में ऐसा ही है, लिटरली यही गेम है कि चार पांच बार तुम हारोगे उसके बाद एक बार कुछ नया सीखोगे। यही तो इस गेम का मज़ा है। यहाँ से जंप है जो पिछली बार मैंने नहीं करी थी क्योंकि मैं अंधा हूँ। एंड सामने एक और बंदा है जिसको हम लोग मारेंगे। लेट्स गो। होपफुली बस गड्ढा ना हो क्योंकि गड्ढे में गिरना बहुत बुरा लगता है। लेट्स गो फायर ग्रेस, आई मीन हाँ फायर ग्रेस। थोड़ा सा रिस्की एरिया है ये, पर क्या पता मिल जाए। नहीं मिलेगा क्या? मुझे वो चाहिए। ओ कम ऑन, ओ कम ऑन, लिटरली पार्कोर कहाँ गया मेरा पार्कोर? नो मोर पार्कोर, रेस्ट इन पीस फॉर पार्कोर। शायद ना तक हम लोग क्लाइंब ही नहीं कर सकते, मैं फालतू में इतना पैनिक कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं जंप लगाता हूँ तो यहाँ पे पक्का पहुँच सकता हूँ मैं, और आई थिंक यहाँ से हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक। ओके नहीं यहाँ से भी नहीं जा सकते, तो यही रास्ता होने वाला है। हे बड़ी व्हाट्सअप, हाँ हाँ चल मर जा जी। एक और बंदा क्रॉसबो वाला, टाइम लगेगा तेरे को लोड करने में, इतने में तो तेरे को लोड कर दूंगा मैं। वेयर आई एम फॉलिंग, कहाँ गिर गया मैं? अबे यार फिर से वहीं आ गया क्या मैं? तो भाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही, हम लोगों ने 3 बॉसेस को डिफीट किया और अगली वीडियो में हम लोग और बॉसेस को डिफीट करने वाले हैं। तब तक मुझे इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम कासल के अंदर कैसे जाएंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक मार देना। और तुम लोग से मैं एक और चीज पूछने वाला हूँ, अगर तुम्हें आइडिया हो तो तुम लोग मुझे बताना कि यहाँ पे मैं कौन सा वेपन यूज करूँ, कौन सा वेपन ओपी होने वाला है। यहाँ पर लिटरली मेरे पास बहुत सारे वेपन है पर मुझे इनका आइडिया नहीं है, तुम लोग एक बार देख लो। जैसे कि ये हमारे पास एक्स है, ये हमारी एक और एक्स है, ये सारे वेपन है। अगर तुम लोगों को आइडिया हो कि इनमें से बेस्ट वेपन कौन सा होने वाला है या कौन सा हो सकता है तो प्लीज तुम लोग मुझे बता देना। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ स्वॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि हमें ये नया मिला था अभी,
एंड साथ साथ हमें ये भी मिला था। ये वाला वेपन थोड़ा सा अच्छा है पर ऐसे मैं अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला वेपन है। एंड ये सारे टाइप के वेपन्स हैं। एंड जाते जाते मुझे एक और चीज ट्राई करनी है जो कि हमें एक मिली थी एश ऑफ वॉर जो हमने हराया था ओमन को, तो वो चीज़ मुझे ट्राई करनी है उसमें मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। हम लोग जाते हैं एश ऑफ वॉर पर और यहाँ पर वो एश ऑफ वॉर कौन सी थी, ये नहीं थी आई थिंक, वो किसी स्वॉर्ड की एश ऑफ वॉर थी। तो लेट मी चेंज माई वेपन, ये वाला हैमर ना उसी बंदे का है ना, ये शायद इसी की एश ऑफ वॉर है ये। और भाई ये क्या स्ट्रेंथ वेपन है, लेट्स गो, लेट मी ट्राई की इसकी एश ऑफ वॉर है ना ये। एश ऑफ वॉर्स में जाते हैं, इस वाले वेपन की चेक करते हैं, ये वाली है क्या, नहीं क्या, पता नहीं वो क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला वेपन अपने को मिला था, ये हम यूज़ नहीं कर सकते पर लेट मी ट्राई। ओ उसी का वेपन है ये, काफी तगड़ा वेपन है ये, ब्लीडिंग दे सकता है ये वेपन। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक मार देना और अगर तुम आए हो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक ले तो मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में और बॉसेस और डिफरेंट बॉसेस के साथ, सारे के सारे मैं ऑलरेडी फाइंड करके रखूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।